Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are safe at home. Students, today we will read articles. There are two types of articles, definite and indefinite. Definite articles, the, and indefinite articles, a and an. A, an, and the are called articles. ये तीनों articles होते हैं, a, an, and the. These are added before nouns. इनको nouns से पहले use करते हैं. For example, a shield, an eye, the Bible. Let's read uses of these. When a noun begins with a consonant sound, we use a. आपको a का use कहाँ करना है? जब भी कोई word consonant sound से start होता है, तो वहाँ पर आपको a का use करना है. Consonant यानी कि व्यंजन ध्वनि, जैसे कि boy, boy, b, b से शुरू हो रहा है ये, तो इसलिए b क्या है हमारा? Consonant. तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे? अ. सेम एज टॉय, ट, ट भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट. तो हम इससे पहले किसका यूज करेंगे? अ. नाउ नेक्स्ट पेज. व्हेन अ नाउन बिगिंस विद अ वोवल साउंड वी यूज एन. और जब वोवल साउंड से कोई वर्ड शुरू होता है, कोई नाउन शुरू होती है वोवल साउंड से, फॉर एग्जाम्पल एग, अ, ए, किससे शुरू हो रहा है? वोवल साउंड से, तो यहाँ हम एन का यूज करते हैं. सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब स्वर यानी कि ऐसे अह तक जब आता है तो वहां एन का यूज होता है. जैसे कि इसमें पढ़िए एग, अ, ए, किससे लिखा जा रहा है ये? अ से. और अ क्या है? एक स्वर है, और स्वर के साथ हम किसका यूज करेंगे? एन का. सेम इरेजर, ई, ई, ई से शुरू हो रहा है ये, ई, इमली वाली ई से. तो यहां पर भी स्वर की ध्वनि आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहां एन का यूज करेंगे. ए का यूज अभी मैंने लास्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन किया, जब हम कैसे ह तक व्यंजन, जहां कैसे है तक की ध्वनि आती है यानी कि व्यंजन की ध्वनि आती है, वहां ए का यूज करेंगे. जैसे कि हमने लास्ट पेज पर पढ़ा था टॉय, टॉय, ट, ट क्या है? व्यंजन. क से है तक के बीच में व्यंजन है, इसलिए यहां पर अ का यूज किया है हमने. आज के लिए आप इंडेफिनेट आर्टिकल्स को ही समझेंगे और उन्हीं का ही यूज करेंगे और अपनी वर्कशीट नंबर 1 फिल करेंगे. बाकी डेफिनेट आर्टिकल्स और उसकी एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी. चलिए अब हम वर्कशीट नंबर 1 फिल करते हैं. एन इंच, अ ग्लास, एन ईगल, अ बाउल, एन ऑफ, अ रूम, एन आइस क्यूब, एन इंडियन, अ बैग, एन अम्ब्रेला. I hope student आपको indefinite articles अच्छे से क्लियर हुए होंगे. अभी आप अपनी इसकी वर्कशीट फिल कीजिए. Bye bye.